नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जम्मू के नगरोटा में जो मुठभेड़ हुई थी, 4 आतंकी मारे गए थे, 11 AK-47 गोला बारूद असलाह काफ़ी मात्रा में बरामद हुआ था, ये सबको पता है। लेकिन जो अब जानकारी मिल रही है, जो उनके पास से इक्विपमेंट बरामद हुए हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान से इसको हैंडल किया जा रहा था। पाकिस्तानी सिम का मिलना, आतंकियों का पाकिस्तानी जूता, पाकिस्तानियों का GPS सिस्टम, वायरलेस और इसके अलावा DMR डिजिटल मोबाइल रेडियो, उस इस सब को जोड़ने से पता चल रहा है कि ये लास्ट तक संपर्क में थे अपने हैंडलर्स के। आप देखिए वीडियो में इस मैसेज को कि किस तरीके से इनके हैंडलर ने वहाँ से मैसेज किया था, कहाँ पहुँच गए, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। ये बात जैसे ही भारत को पता चली, वैसे ही सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। और इसका जो सरगना बताया जा रहा है, जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर, उसका भाई है रऊफ लाल, वो पाकिस्तान के सकरगढ़ में अक्टूबर के लास्ट में नवंबर के शुरू में देखा गया था। उस दौरान भी घुसपैठ की कोशिश हुई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया था। तो अब वो इसके ताक में बैठे थे, फिर उन्होंने प्लानिंग की और अपनी प्लानिंग में सफल रहे कि उन्होंने घुसपैठ करा ली और फिर इन आतंकियों को भेजा। वो तो सुरक्षा एजेंसियां जो है उनके पास इनपुट इतनी पुख्ता थे कि इन्होंने उसको ट्रैप कर लिया और उसके बाद ये कार्रवाई हुई जिसमें कि चारों आतंकी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीटिंग लेने के बाद, रिव्यू मीटिंग की, इसके बाद अपने सुरक्षा बलों के जवानों की तारीफ की और बताया कि किस तरीके से प्रोफेशनली इसको हैंडल किया गया है। और अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान के दूतावास के अधिकारी को फॉरेन मिनिस्ट्री ने तलब किया है और वो सारे सबूत दिखाए हैं कि कहां से हैंडलर कैसे मैसेज भेज रहा था। वो मैसेज भी आप वीडियो में देखेंगे कि क्या मैसेज भेजा गया है और जो वायरलेस सेट है और जो इक्विपमेंट बरामद हुए हैं, कैसे ये लोग आपस में कॉन्टेक्ट में थे, यानी कि 26/11 की बरसी पर या उससे पहले उसी तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश। एक बात एकदम क्लियर है। अब वहां पे DDC के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव पाकिस्तान चाहता नहीं कि ये सफलतापूर्वक भारत चुनाव करा ले जाए, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने 370 को हटाया और उसके बाद पाकिस्तान दुनिया भर में मंचों पे रोता रहा, उसका दुनिया ने संज्ञान नहीं लिया, और अब वही पाकिस्तान चाहता है कि इस चुनाव को बाधित किया जाए। बाधित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है और वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो चुनाव है वो इस तरीके से नहीं मानेगा, अभी भी वो अपनी कोशिश जारी रखेगा। इसीलिए पाकिस्तान के दूतावास के अधिकारी को बुला करके और सब कुछ दिखाया और बताया गया, लताड़ लगाई गई है कि ये है हमारे पास सबूत। तो एक बात तय मानिए, पाकिस्तान अभी जो है FATF के जो ग्रे लिस्ट में चल रहा है। जो जिस तरीके से भारत को सबूत मिल रहे हैं कि वो आतंकवाद फैला रहा है दुनिया, बेशक चाहे SCO हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे UN हो, चाहे UNSC हो, उस मंच पे आतंकवाद के खिलाफ बातें करें, लेकिन अभी भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। भारत सफरर है, बहुत बड़ा सफरर है, चिल्ला चिल्ला करके दशकों से ये बात बोल रहा है। 26/11 उससे पहले 1993 बहुत कुछ भारत बोलता रहा, कोई नहीं सुन रहा था। जब पश्चिमी देशों पे अपने सिर पे आकर के पड़ा, तब उनको दिखाई देने लगा कि आतंकवाद भी एक समस्या है। चीन दो मुंह ही बातें करता है, जब अपनी बारी आती है तो वहाँ पर वो मुस्लिमों को प्रताड़ित करता है, और जब भारत की बारी आती है तो मौन साध जाता है, नियम कानून की बात करने लगता है। ये किसको नहीं पता है कि हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में किसने अड़ंगेबाजी की थी। तो ये जो दो मुही बातें हैं वो कभी भी दुनिया को आतंकवाद से निजात नहीं दिला सकती। तो भारत ने पाकिस्तान के सामने, उसके दूतावास के अधिकारी के सामने सारे सब पेश कर दिए, बता दिए कि हमें क्या क्या मिला है, हमें और कुछ ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान की आदत है, वो तो मानेगा नहीं कि हमारे यहाँ का हैंडलर है हमारे यहाँ का, क्योंकि उसमें चीनी भी असलहे और बहुत सारी चीजें बरामद हुई है। गोला बारूद जो बरामद हुआ उस पे चीन का मार्का लगा हुआ है, तो चीन भी नहीं मानेगा। चीन उधर पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान इधर सप्लाई करके भारत में अशांति फैलाना चाहता है, क्योंकि चीन को भारत से डर है और वो भारत को डिस्टर्ब करके रखना चाहता है, उसका एक ही मकसद है। सीमा पे जो तनाव है वो अलग है, भारत को डिस्टर्ब करके रखो। तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत मिला है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या भारत एक्शन करता है, क्योंकि देखिए दो बार तो वो स्ट्राइक कर चुका, सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक कर चुका है। पाकिस्तान नहीं मानेगा तो फिर से उस दिशा में भारत आगे कदम बढ़ा सकता है। इस पर हमारी नज़र रहेगी, जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन